हर हर महादेव। हाय दिस इज कलरव भट्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भट्ट सर। मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आईएमपी पूरे रख दिए, उसमें से ही आएगा। अब ये दूसरा वीडियो है, ये वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस फॉर 2024 यूनिवर्सिटी एग्जाम, गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए है। इसमें जो मैं क्वेश्चन 40-45 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें से ही आएगा, बराबर। बस आपको एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपको अपने आप करने पड़ेंगे, बाकी ब्रीफ क्वेश्चन पूरे इसमें से आएंगे, बराबर। इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, जो मैं क्वेश्चन अभी डाल रहा हूँ उसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप में आंसर भेज दूंगा। और उसका जो बनता है, जो भी प्रोसीजर रहेगी, जो भी चार्जेस रहेंगे, वो आपको मुझे पहले पे करने के रहेंगे, वो नॉमिनल रहेंगे, 50-100 रुपये रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी सॉल्यूशन चाहिए 31 क्वेश्चन का, तो उसका भी आपको मिल जाएगा। सर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, और आपके रिक्वायरमेंट जितने भी है क्वेश्चन, अरे सिलेबस का या सब्जेक्ट का, वो मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको उस हिसाब से पेमेंट बोल दूँगा, उतना ट्रांसफ़र कीजिएगा, और आपको मैं आंसर की पूरी डॉक्यूमेंट भेज दूँगा, बराबर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए चलते हैं आगे, बराबर। तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का भी रखने वाला हूँ, और मैं एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स का भी रखने वाला हूँ, बराबर। तो चलते अपने आगे, बराबर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर द 2024 यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 3-4-5 बार पूछा गया, 2013 में, 15 में, 16 में, 19 में और 23 में। स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जोरदार क्वेश्चन, बराबर पूछ सकते हैं, इतना एमपी क्वेश्चन है। आगे दूसरा क्वेश्चन उसमें एमपी है, इंपोर्टेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो बार पूछा गया, 2015 में, 2019 में, मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा ही, मैं जो हाईलाइट करके बता रहा हूं ना, वो भी आपको ध्यान रखिए, लेजर पॉइंट, ये क्वेश्चन तो आएगा ही, समझ लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है। स्कोप एंड द लिमिटेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको करना ही है। दूसरा है इंपोर्टेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी आपको करना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इतनी बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाना है, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना ना, उससे अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तैयार करो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसमें डायग्राम भी आ गया, उसका पूरा शॉर्ट नोट भी आ गया, तो आप ये क्वेश्चन तैयार करोगे तो आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन तैयार हो भी जाएंगे। फिर एक्सप्लेन दिस टर्म्स में पूछा जाए या शॉर्ट नोट में पूछा जाए, जीडीपी एंड जीएनपी, क्या पूछेंगे, जीडीपी एंड जीएनपी आपको ये पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको तैयार करना है। डिफिकल्टी इन एस्टिमेशन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करने बैठते हैं तो कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन होगा ही, आपको ये तैयार करना ही है। देखो कितनी बार, 5 बार पूछा गया, 2014 से लेके 2023 में 5 बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बराबर। मतलब कैसे बोल दो, 2017, 18 और 21, 22 में नहीं पूछा गया, वो तो कोरोना का टाइम का बीच का, तो इसे 2 साल तो गिनने के भी नहीं। आगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम 3 बार पूछा गया, तो आपको ये भी क्वेश्चन तैयार करना ही है, आप सबको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको चाहिए तो मुझे बोलना, मैं भेज दूंगा, बराबर। उसका नॉमिनल चार्ज रहेगा, 50-60 रुपया, ज्यादा नहीं रहेगा। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, होने का रखना पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आपको ये तैयार करना है, 2016 में एक बार पूछा गया है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन करना है, बराबर। आगे कंजम्पशन फंक्शन इन कैनेजियन थियरी, 2014 में और 2023 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, बराबर। कंजम्पशन फंक्शन कैनेजियन थियरी, एक चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी आप याद रखना। फिर है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंजम्पशन फंक्शन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर कौन से है कंजम्पशन फंक्शन को इफेक्ट करे, वो आपको तैयार करना है।
फिर आपको एक छोटा सा टॉपिक तैयार करना है इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, कैसे डिमांड को इफेक्टिव बना सकते हो, कुछ भी आपको इसके बारे में लिखना है, एक बार पूछा गया आपको तैयार करना पड़ेगा। आगे है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मोस्ट आइडियल क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मोस्ट आइडियल क्वेश्चन, आगे है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये भी आईएमपी है, भले एक बार पूछा गया लेकिन आईएमपी है। तो ये दो क्वेश्चन आईएमपी है, एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और दूसरा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिनेशन इन द काइनेजियन थियरी। तो काइनेजियन थियरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो थियरी है, लिक्विडिटी थियरी पूछ सकते हैं। देखो ऐसे लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी थियरी, ये तीनों क्वेश्चन सेम ही ऐसा समझो। लिक्विडिटी थियरी टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ द इंटरेस्ट रेट, तो क्वेश्चन सेम ही है लेकिन उसके पूछने के तरीके अलग है, बराबर। 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये तैयार करना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में होगा ही, लिक्विडिटी ट्रैप एग्जाम में होगा ही, मतलब ये तीनों क्वेश्चन सेम ही, वो एक ही क्वेश्चन है। आगे जनरल थियरी ऑफ द काइनेजियन मोस्ट आईएमपी है, भले एक ही बार पूछा गया है लेकिन मोस्ट आईएमपी है। आगे काइनेजियन थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मोस्ट आईएमपी, 2016-2023 में पूछा गया है और इस बार भी आ सकता है, बराबर। ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, ओके। आगे है द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन गिवन बाय द काइनेजियन। काइनेजियन की साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन थियरी भी आपको तैयार करनी है। देखो तीन बार पूछी गई है तो आईएमपी है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चों ने जो टाइम पे एग्जाम था तब छोड़ा हुआ है 2015 में, क्योंकि समझ में नहीं आया था कि व्हाट इज द एनईसी, बराबर। तो ये आपको ढूंढना है, मैं तो आपका ये इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको आपकी बुक में ढूंढना है, मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ काइनेजियन विद द कंसेप्ट ऑफ द एनईसी, ठीक है। आगे एक्सप्लेन हाउ कमर्शियल बैंक रेट, जोरदार क्वेश्चन, ये भी लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, आंसर नहीं लिखा था इसका भी। एक्सप्लेन हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी थ्रू देयर लैंडिंग ऑपरेशन, पैसे देके कैसे कमर्शियल बैंक है ना पैसा बनाती है, उसके बारे में आपको लिखना है, एक लाइव एग्जाम्पल या कोई भी एग्जाम्पल देके। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन फंक्शन ऑफ मनी, मोस्ट टाइम भी मतलब कि मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन एग्जाम में होगा ही। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी एग्जाम में होगा ही, ऐसा समझ के चलिए, फंक्शन ऑफ मनी करना ही है। फिर ये तो बहुत हाई लेवल का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कॉजेस ऑफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्यों होता है, उसके रीजंस बताने हैं और उसके साथ उसको कैसे कंट्रोल करना है, व्हाट मेजर्स आर नीडेड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या ध्यान में रखना है, वो भी अपने को तैयार करना है, ओके। व्हाट मेजर्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइस, प्राइस जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, मोस्ट आईएमपी है, बराबर। इन्फ्लेशन तैयार करना है, फंक्शन ऑफ मनी तैयार करना है, प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी भी तैयार करना है, और गवर्नमेंट पैसा जब प्राइस राइज हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, वो इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में अभी से लिख लो होगा ही, बिजनेस साइकिल, फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल होगा ही, एग्जाम्पल के साथ ही को पूछेंगे, फाइनल एग्जाम में होगा ही, फिर फीचर्स ऑफ द बिजनेस साइकिल तैयार करना ही है, फिर एक एक क्वेश्चन एग्जाम में होगा, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आपको तैयार करना ही है, फिर ये क्वेश्चन फिस्कल पॉलिसी का रोल डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या होता है, रोल ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इन द डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग मतलब कि इंडिया, और डेवलप्ड मतलब कि अमेरिका, जो डेवलप हो चुकी उसके लिए नहीं, जो डेवलप हो रही है उसके लिए फिस्कल पॉलिसी का रोल क्या है, अपने को तैयार करना ही है।
अब देखो ये क्वेश्चन भी कितने सारे बच्चों ने छोड़ा है, ये पूरी स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन है ना सब बच्चों ने एग्जाम में छोड़े हुए हैं। ये हाई सबको हार्ड लगता है बराबर, लेकिन एक क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये समझ लो। एमपीसी एपीसी एमपीएस एंड एपीएस एमपीसी एपीसी एमपीएस एपीएस टर्म को समझाना है। आगे टूल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, जोरदार एंटी क्वेश्चन है ये वाला। फिर फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, मोस्ट एंटी क्वेश्चन 2015-2019 में पूछा गया सवाल। टूल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी 2019-2023 में पूछा गया सवाल। एमपीसी एपीसी एमपीएस एंड एपीएस एक ही बार पूछा है, लेकिन बहुत बोल सकते हैं कि हार्ड क्वेश्चन है बराबर, ये पूरी स्लाइड हार्ड क्वेश्चन की ऐसा समझ लो। क्रिटिकली द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी यूज्ड बाय कंट्री, कंट्री कब फिस्कल पॉलिसी के टूल्स को यूज करती है बराबर। तो 2016 में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे तो क्या सर को भी नहीं आता था क्वेश्चन बराबर, क्योंकि क्रिटिकली टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी यूज्ड बाय कंट्री ये समझाते टाइम चैप्टर चलता है तब भी हम ये टॉपिक पे ध्यान नहीं देते, तो अपने को ये भी लिखना है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, मोस्ट आईएमपी आगे एक बार मॉनेटरी पॉलिसी का आगा, यहाँ पे मैं वापस से बोल रहा हूँ, तीन बार पूछा गया वो सवाल, मेरे को लग रहा है इस बार एग्जाम में होगा, फिर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में होगा मुझे ऐसा लग रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ द पेमेंट, हाँ आपको यहाँ पे एक फायदा पड़ेगा, आपको ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे का लिख सकते हो, और में काफी सारे क्वेश्चन आएंगे आपको ऑप्शन मिलेंगे लिखने के। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है। आगे अब ये देखो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी में गिनो, ये पूरी स्लाइड मोस्ट आईएमपी में गिनो, क्योंकि इसमें से तो दो क्वेश्चन निकलने का चांस है। कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। फिर मेथड टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द ब्रेक बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है मैं ब्रेक और एक पॉइंट बोलने जा रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उसको करेक्ट करने की मेथड्स क्या है, ठीक है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। फिर आगे क्वेश्चन हो गया कैसे लेंडिंग प्रोसीजर से कमर्शियल बैंक मनी बनाती है, सेम वही रिलेटेड क्वेश्चन। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ द बैंक, ठीक है मोस्ट आईएमपी, इसकी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ये देखो हाउ डिवैल्यूएशन एंड डिफ्लेशन कैन बी यूज टू करेक्ट द एडवर्स ऑफ बीओपी बराबर, ये इसके कोजेस थे, कहा था मेथड ऑफ करेंट डिसइक्विलिब्रियम बीओपी, उसमें से एक मेथड है डिफ्लेशन एंड डिवैल्यूएशन। हाउ डिवैल्यूएशन एंड डिफ्लेशन कैन बी यूज टू करेक्ट द एडवर्स बीओपी, एक चीज याद रखना यहाँ पे टॉपिक आया तो आप मान लो कि कोई क्वेश्चन तैयार कर रहे हो उसके अंदर भी पॉइंट है, कोई मेथड है उसके पॉइंट है, तो आपको पॉइंट भी तैयार करने है, क्योंकि पॉइंट भी ऐसे शॉर्ट मार्क में पूछ सकते हैं। देखो अंदर से ये क्वेश्चन था उसकी मेथड्स थी तो अपने को पूरी मेथड्स तैयार करनी है, लेकिन वो मेथड जब तैयार करोगे तो उसमें ये दो मेथड अंदर आएगी, तो यहाँ पे सिर्फ ये दो मेथड के बारे में ही पूछा है, तो आपको मेथड के अंदर की भी मतलब अंदर के सब पॉइंट भी तैयार करने हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आगे की स्लाइड देखते हैं तो अपने को पता चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही है, पर मेरे से ध्यान नहीं गया इसलिए मैंने रिपीटेड लिख दिया, आईएमपी तो है ही लेकिन अपने को तो तैयार करना ही है। तो इतने क्वेश्चन थे, एक बार वापस से मैं पहले से दौड़ा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए कुछ छूट नहीं जाता है ना आपका। वापिस से मैं पूरी स्लाइड दौड़ा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर चाहिए इसके तो मुझे बोलना मैं दे दूंगा। सात क्वेश्चन है स्लाइड के, स्क्रीनशॉट ले लेना। छह क्वेश्चन है स्लाइड के, स्क्रीनशॉट ले लेना। पांच क्वेश्चन है स्लाइड के, स्क्रीनशॉट ले लेना। सात क्वेश्चन इस स्लाइड में, स्क्रीनशॉट ले लेना। चार क्वेश्चन इस स्लाइड में, स्क्रीनशॉट ले लेना। छह क्वेश्चन इस स्लाइड में, स्क्रीनशॉट ले लेना। पांच क्वेश्चन इस स्लाइड के, स्क्रीनशॉट ले लेना। मे बी मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करना, मैंने 5-10 मिनट में ये तैयार किया है।
प्लीज डू शेयर लाइक कमेंट माय यूट्यूब चैनल सर्विस पर्सन आई एम कलर बट ऑलवेज वर्क फॉर हिम मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का रख दिया है आपकी इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स के पहले ये भी अपलोड हो जाएगा फिर पोस्ट अकाउंटिंग एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा दो दिन में काम से बाहर जा रहे हैं इसलिए दो दिन कोई अब नया अपलोड नहीं आएगा बराबर आपको इतना क्लियर करना है हाँ जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लास्ट के दो तीन चैप्टर अपलोड करने के बाकी है मैं वो अपलोड कर दूंगा लेकिन उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे बराबर क्योंकि मुझे बाहर जाना है और मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है अपलोड कर दूंगा वो फाइनल है लेकिन उसमें वॉइस नहीं आएगा ठीक है चलो थैंक यू तो नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम लोगों को शेयर कीजिए बराबर इसमें से ही पूछेंगे तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है वो गारंटी बराबर पूरा नहीं पूछेंगे लेकिन पूछेंगे इसमें से ही बराबर बोल सकते हैं ना कि आपने तैयार पूरे साल कुछ नहीं किया पूरा सेम ऐसे ही निकल आए तो आपके लिए ये चीज़ मतलब समझ लीजिए वरदान है थैंक यू हैव अ नाइस डे